What does the graph say? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडिंग फैब डॉट इन। एक और वीडियो आपके लिए। कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं और हर एक का सवाल काफी सिमिलर है कि अभी ये जो पैनिक मूव मार्केट में दिखाई दे रहा है, मार्केट काफी हर रोज एक नए लेवल, नया सपोर्ट ब्रेक करके एक टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट का? क्या फिर रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो अभी इस समय काफी सिमिलर क्वेश्चंस आ रहा है, तो इसके लिए इस वीडियो में एक एनालिसिस करेंगे। 2008 का चार्ट पैटर्न देखेंगे और अभी 2020 का चार्ट पैटर्न देखेंगे। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके साथ अभी का जो क्राइसिस है, नेचुरल क्राइसिस है, उसको थोड़ा कंपेयर करेंगे कहां तक और हमें टूवर्ड साउथ की तरफ यहाँ से सपोर्ट दिखाई दे रहा है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और 2008 में जो फॉल आया था उसके बाद जो निफ्टी 50 के शेयर्स है उसका अभी क्या चार्ट में पैटर्न दिखाई दे रहा है, कहां पर वो शेयर कौन से प्राइस में था 2008 में और अभी 2020 पे कहां पे ट्रेड हो रहा है, ये सब कुछ देखेंगे। उससे एक आइडिया आ जाएगा आपको कि अभी ये इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है या नहीं। जो नए लोग जो है इस मार्केट में काम करना चाहते हैं वो लोगों के लिए भी ये सही टाइम है कि नहीं, ये समझ में आ जाएगा। एक छोटा ऐसा एनालिसिस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो निफ्टी का चार्ट देखेंगे, हम मंथली चार्ट देखेंगे। मंथली चार्ट यानी क्या होता है, ये जो एक एक कैंडल है यहाँ पर, ये एक महीने का ओपन हाई लो और क्लोज वैल्यू हमें प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन है 2008 का फॉल, यानी यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और ये अभी 2020 का माहौल है, जनवरी फरवरी, और ये अभी मार्च का कैंडल, काफी जबरदस्त लंबा लॉन्ग बेयरिश कैंडल स्टिक यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस को समझ लेते हैं। ये फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में जब ये आया था तभी यहाँ पर रिसेशन पीरियड था, जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस थे वो गिरने लगे थे और कुछ लिक्विडिटी थी मार्केट में वो हद से ज्यादा कम हो गई थी, इसके वजह से यहाँ पर ये फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। तो इसके बाद इससे रिकवर कैसा करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ये सब कुछ सॉल्यूशन निकालने के बाद एक टाइमलाइन डिसाइड कर सकते थे कि कहाँ से ये कितना टाइम लगेगा इसको रिकवर होने के लिए। तो यहाँ पर एनालिसिस करके एक टाइम पीरियड निकाला जा सकता था कि ये यहाँ से रिकवर हो सकता है। तो ये जब 2008 में जब ये फॉल आया था तो यहाँ पर ये जो हमने 20 EMA, 50 EMA और 100 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को प्लॉट किया है, तो इसका ये जो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 100 मंथ्स का जो ग्रे लाइन में यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसके पास इसने 1, 2, 3, 4, 5 महीना कम से कम यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया था और उसके बाद ये यहाँ से बाउंस बैक हुआ था। और ये जब भी ये फॉल आया था यहाँ पर 2008 का, तो एक एनालिसिस है, तो यहाँ पर 2008 में ये टॉप ऑलमोस्ट निफ्टी का 6300 था, उसके बाद करेक्शन होने के बाद निफ्टी इंडेक्स 2500 तक पहुंच गया था, यानी ऑलमोस्ट 60% का करेक्शन था, फाइनेंशियल क्राइसिस था जब भी। और अभी नेचुरल क्राइसिस के वक्त अगर हम इसे कंपेयर करें 2008 के साथ, तो अगर 60% मान लो यहाँ से अगर फॉल आता है निफ्टी इंडेक्स में, तो निफ्टी इंडेक्स ने अभी 12,400 का टॉप लगाया था, 60% का अगर फॉल आता है तो 7,440 पॉइंट्स अगर हम माइनस कर दे तो ऑलमोस्ट 5,000 के करीब निफ्टी इंडेक्स पहुंच सकता है। नेचुरल क्राइसिस में टाइम लाइन नहीं है, अभी जो इंडिया में जो कोरोना वायरस पहुंच गया ये अभी सेकेंड स्टेज पे है, हमने यहाँ पर जल्दी से प्रिकॉशंस लेने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, लगभग ऑल ओवर इंडिया में थिएटर, फिर स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, धीरे धीरे अगर कंपनीज और इंडस्ट्री को भी बंद करना पड़ा, अभी मॉल को बंद कर रहे हैं, उसके बाद अगर कंपनीज बंद हो जाती है, वर्क फ्रॉम होम कह रहे हैं लेकिन इससे कितना असर गिरेगा वो पता नहीं, और अगर ये सेकेंड स्टेज का अगर थर्ड स्टेज पे चला जाता है तो स्थिति और भी बदतर हो सकती है। अभी फिलहाल जो ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस है, एविएशन का बिजनेस है, इसके ऊपर काफी जबरदस्त असर गिरा हुआ है, अगर ये यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता तो यहाँ से ये और भी भयानक स्थिति ले सकता है।
लेकिन अगर एक अलग एंगल से देखें कुछ बेसिक पॉइंट्स, तो अभी इंडिया में जो सिचुएशन है, कहा जा रहा है कि ये दूसरे देशों से काफी अच्छी कंडीशन में अभी इस समय इंडिया ने इसे प्रिवेंट किया है, तो आने वाले कुछ दिन बाद यहाँ पर गर्मी के पीरियड्स भी चालू हो जाएंगे, तो गर्मी में लगभग ये जो डिसीज होता है ये कम फैलता है, जो ठंड और बारिश के सीजन में जितना तेजी से फैलता है उतना गर्मी के सीजन में कम फैलता है। तो जैसे हमने बहुत ही जल्दी प्रिकॉशन स्टार्ट किए हैं लेने के लिए, हर एक अभी WHO ने अगर आप देखें तो महामारी घोषित कर दिया इसे, यानी पूरी दुनिया भर के लोग अभी रेडी है इसे फाइट करने के लिए। तो अभी यहाँ से एक रिकवर जो फेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। तो हमने फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे जब फॉल आया था तब ये 2020 में भी ये ऑलमोस्ट 100 EMA के पास ये पहुंच गया और जबरदस्त फ्राइडे को यहाँ से बाउंस बैक आ गया ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स का। ये भी मार्केट के इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ था, यानी 100 EMA के पास एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर ये स्थिति जो है कोरोना वायरस के वजह से, ये जो सिचुएशन चल रहा है, ये अगर और भी टेंशन भरा होता है तो यहाँ से और भी यहाँ से फॉल हमें दिखाई दे सकता है। अब तक 12,400 से लेके ये अभी 9,000 तक है, यानी ऑलमोस्ट 30-35% ये गिरा हुआ है निफ्टी इंडेक्स। अगर 2008 की तरह 60% ये गिरता है तो 5,000 की लगभग ये जा सकता है। तो ये सपोर्ट लेवल है 2008 के बाद 2020, यानी 12 साल के बाद ये 100 EMA के पास आया है। तो ये सेकेंड टाइम है 12 साल में, ये सेकेंड टाइम है। तो हो सकता है यहाँ पर एक सपोर्ट ले, जैसे कि अभी अगर 20 दिनों में अगर कुछ अच्छी न्यूज आती है, ये जो माहौल है इससे रिकवर होने की अगर कोई न्यूज आती है अच्छे, तो हो सकता है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिले और उसके बाद तेजी देखने को मिले। अगर सिचुएशन खराब होती है तो यहाँ से और भी निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हो सकता है। तो ये नेचुरल क्राइसिस है, इसका टाइमलाइन बता नहीं सकते इस समय, लेकिन जैसे फ्राइडे को जबरदस्त बाउंस बैक आया था 1500 पॉइंट्स की, यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला था, तो यहाँ पर बायर्स काफी सारे बैठे हुए हैं ऐसा कहा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करके देखें, ये लो और ये स्टॉप को पकड़ के, तो इसका 61.8% का ये जो लेवल है ये भी ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। तो यानी यहाँ पर डबल सपोर्ट है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का और दूसरा 100 EMA का। यहाँ पर पास्ट में भी इसने दो बार स्विंग हाईज बनाए थे, ये देखिए यहाँ पर। तो जो पास्ट में रेजिस्टेंस का काम करता है वो फ्यूचर में जाके सपोर्ट का काम करता है। तो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं कि इस लेवल पे टेक्निकली हम कह सकते हैं कि इस लेवल पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे सिचुएशन और भी भयानक होती है तो यहाँ से और भी हमें गिरावट निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकली देखें तो सपोर्ट लेवल के पास अभी इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा पार्ट हम इस समय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं टेक्निकली देखें तो। अगर और भी यहाँ से गिरता है तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर होगा जहाँ पर 2016 में स्विंग लो बना के इसने बाउंस बैक दिखाया था 6800 के पास। अभी 2008 में निफ्टी 50 के शेयर्स कहाँ पे थे और अभी इसका क्या हाल है वो एक बार देख लेते तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि अभी मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा है या नहीं। तो निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, L&T देख लेते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, लार्सन एंड टूर्बो। ये L&T का चार्ट पैटर्न है, मंथली चार्ट है ये, यानी एक कैंडल एक महीने का हाई लो ओपन और क्लोज दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पर हम इसे इस रेंज को अगर हम मेजर करें तो ये बॉटम पकड़ के ये अभी का जो 2020 में इसने टॉप लगाया इसे अगर हम पकड़ते हैं तो ये देखिए 2008 में ये ऑलमोस्ट 250 के पास था L&T का शेयर, जो अभी जाके 1600 के पास पहुंच गया था 2020 में, यानी ऑलमोस्ट 524% यहां से बढ़ा हुआ है। तो काफी जबरदस्त हमें बढ़त देखने को मिली थी L&T के स्टॉक में 2008 के फॉल के बाद, तो काफी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी L&T में 2008 में अगर इन्वेस्ट करते तो
पैसा आपका 5 गुना बढ़ जाता था। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं रिलायंस, जो काफी सारे लोगों को पसंद है। ये 2008 है, नीचे आप डेट देख सकते हैं 2008, और ये अभी 2020, तो इसको भी मेजर कर लेते हैं। ये पकड़ा बॉटम इसका, और यहाँ से ये 2020 तक, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे था, ये भी लगभग 250 के पास था। इसके बाद बोनस मिला है, स्प्लिट हुआ है, फिर भी ये एडजस्ट होके हमें प्राइस यहाँ पर चार्ट में दिखा रहा है। तो 250 के लगभग था रिलायंस का स्टॉक जब 2008 में फॉल आया था, और तभी अगर इन्वेस्ट करते तो 12 साल के बाद यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स रिटर्न आपको देखने को मिलते थे। ये था रिलायंस का। और एक देख लेते हैं, लेट्स से एसीसी, सीमेंट इंडस्ट्री का स्टॉक है ये एसीसी, ये है 2008 और ये अभी है 2020, तो इसको भी मेजर कर लेते हैं। ये 2008 और ये अभी 2020 ये रहा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एसीसी का स्टॉक ऑलमोस्ट 360 के पास था 2008 में, और अभी ये लगभग 1500 के पास है, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ये यहाँ से बढ़ा हुआ है। तो 12 साल में आपका 2-3 गुना पैसा यहाँ पर 2008 के फॉल के बाद अगर इन्वेस्ट करते तो यहाँ पर बढ़ा हुआ वो आपको मिलता था। तो ये काफी जबरदस्त एक फेज है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप यहाँ पर अगर एंटर होते हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से भी मार्केट में काम करना चालू करते थे तो आने वाले समय में जबरदस्त रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तो ऐसा चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पर कह रहा है, लेकिन अभी जो फेस चल रहा है, जो मार्केट कंडीशंस है, कोरोना वायरस के वजह से काफी टेंशन के भरा माहौल है, और थोड़ा अगर 20-30 दिन रुके तो और क्लियर पिक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये एक एनालिसिस था, इसको होप आपको आइडिया आया होगा कि यहाँ पर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जो नए लोग हैं वो ZERODHA में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली इक्विटी इन्वेस्टमेंट फ्री है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। एक ऑफर भी है हमारी तरफ से, उसके बारे में जान लेते हैं। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ZERODHA है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।